हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि टिंडर की तरह ही किसी एप्लीकेशन पर लड़की ढूंढ रहा होता है। फिर उसे एक लड़की पसंद आती है और वो उसे अप्रोच करता है। फिर जब वो रूम में होता है तो काफ़ी हिम्मत करके उस लड़की को हाई मैसेज करता है और थोड़ी देर बाद उधर से भी रिप्लाई आता है। और फिर ये लड़का उस लड़की से नॉर्मली चैटिंग करने लगता है, जहाँ पर वो लड़की इस लड़के से पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो, जिस पर हर लड़की की तरह इस लड़के का भी जवाब होता है कि हाँ मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। जिसके बाद फिर वो लड़की कहती है कि अरे यार ये कैसे हो गया, मुझे नहीं लगता कि तुम सिंगल हो। जिसके बाद फिर ये दोनों लबी डबी टॉक्स करने लगते हैं और फिर बातों ही बातों में वो लड़की इससे पूछती है कि क्या तुम घर पर अकेले हो, जिस पर ये लड़का पूछता है क्यों। तो लड़की बोलती है कि मुझे बस तुम्हें कुछ दिखाना है। जिसके बाद फिर इस लड़के को ठरक चढ़ जाती है और ये उस लड़की से कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जिस पर लड़की उसे अपनी स्काइप आईडी देती है और उसे वीडियो कॉल पर आने को कहती है। और फिर जब लड़का उस लड़की को वीडियो कॉल करता है तो लड़की अपने सारे कपड़े उतारने लगती है, जिस पर लड़का कहता है और दिखाओ और दिखाओ। और फिर लड़की अपने सारे कपड़े उतार देती है और वो लड़के से भी ऐसा ही करने को कहती है। अब तक लड़के के अंदर पूरी तरह से ठरक घुस चुकी थी, जिस कारण वो तुरंत अपने कपड़े उतार देता है और वो लड़की के सामने ही मास्टरबेट करने लगता है। और फिर जब लड़के का हो जाता है तो लड़की उसे बाय बोलती है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर सुबह लड़के को उसके डैड का कॉल आ रहा होता है और फिर जब वो अपने डैड से बात कर रहा होता है तो वो अपने फेसबुक को भी ओपन करता है, जहां उसे किसी ने एक वीडियो सेंड की हुई होती है। और जब वो उस वीडियो को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी ही वीडियो है मास्टरबेट करते हुए, जिसे देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है और वो अपने डैड से कहता है कि मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। जिसके बाद फिर वो उससे बात करने लग जाता है जिसने उसे ये वीडियो सेंड की थी, जहां पर वो इस लड़के से 5 लाख की डिमांड करता है और वो कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। जिसके बाद फिर ये लड़का घबरा जाता है और अपने डैड को कॉल करता है और अपने डैड से क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगता है ताकि वो इस ब्लैकमेलर को 5 लाख रुपए दे सके। जिसके बाद फिर उसके डैड उसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सेंड करते हैं और फिर यहाँ पर ये लड़का ना चाहते हुए भी उस लड़के को 5 लाख रुपए दे देता है। इसके बाद फिर वो उसे मैसेज करता है कि अब तो मैंने आपको 5 लाख रुपए भी दे दिए है तो प्लीज आप मेरा ये वीडियो डिलीट कर दो। पर ये आदमी उसकी नहीं सुनता और ये 5 लाख लेने के बाद भी उसके वीडियो को पब्लिकली वायरल कर देता है, जिसे देखने के बाद इस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये करे तो करे क्या, और ये वहीं पे बैठ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इस लड़के के फ़ोन में बहुत सारे कॉल एंड मैसेजेस आ रहे होते हैं और ये मूवी एक मैसेज के साथ ख़त्म हो जाती है, जिस मैसेज में लिखा होता है कि हर साल न जाने कितने ही लड़कों के साथ ऐसा होता है और बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जो कि सामने आते हैं, तो सावधान रहे और सतर्क रहे। तो गाइस, होप आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस वीडियो को मैंने सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाया था। तो अगर आपको हमारे ये काम पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।